ये देखिए, धुआं निकलती गर्मा गर्म इतनी जबरदस्त टेस्टी पाव भाजी कि जिसके सामने बाजार, ठेला, होटल, रेस्टोरेंट भी फेल हो जाए। ऐसा तरीका कि आप हर दूसरे दिन बनाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी की ऑल टाइम फेवरेट जबरदस्त टेस्टी और एकदम सीक्रेट वाला तरीका पाव भाजी झटपट बनाने का। यकीन मानिए, जब आप इस तरीके से पाव भाजी बनाएंगे, जबरदस्त तो टेस्ट आएगा, कलर टेक्सचर ऐसा आएगा कि बाजार, चौपाटी, ठेला सब फेल हो जाए। वो सीक्रेट टिप्स आपको बताऊंगी कि आप इस पाव भाजी को बिना मेहनत, बिना झंझट झट से बना लेंगे, बल्कि हर दूसरे दिन बनाना चाहेंगे। सारे सीक्रेट टिप्स और स्टेप्स बताए हैं, बहुत पसंद आने वाली है आपको रेसिपी, क्योंकि ये मिनटों वाली पाव भाजी है, लेकिन टेस्ट ऐसा कि इसके बाद आप बाजार की खाना छोड़ देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम बाजार जैसी झटपट वाली जबरदस्त टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल इंस्टेंट पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम चढ़ाएंगे कुकर। तो कुकर में यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। अब अपनी पाव भाजी को बहुत ही स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर बटर। बटर में बनी पाव भाजी की बात ही कुछ और है। फिर वो वही बाजार जैसा होटल रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना हम पाव भाजी, और फिर बोलते हैं कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी सेम सामान हमने डाला, लेकिन पाव भाजी में वो बाजार जैसा स्ट्रीट वाला टेस्ट नहीं आ पाया। तो आज हर एक स्टेप पे मैं आपको ऐसी ऐसी सीक्रेट टिप्स आपको बताऊंगी कि जो कलर आएगा और जो रंगत और जो टेस्ट आएगा पाव भाजी का, मतलब वो स्ट्रीट वालों से भी ज्यादा टेस्टी और ज्यादा बेहतरीन बनेगी लुकिंग में भी। अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर पहले ऐड कर लेंगे, और तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हींग। जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल एज इट इज आपको बनानी है, फिर आप मुझे खुद लिखेंगे कमाल की पाव भाजी बनी। अब फ्लेम को लो कर देंगे जिससे कोई चीज जले नहीं। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े साइज की प्याज, जिसको मैंने देखिए इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पर बिल्कुल फाइन चॉप प्याज डाल देंगे। फ्लेम को अब मीडियम हाई कर देंगे और बढ़िया से प्याज को गुलाबी होने तक भूनेंगे। मतलब ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ एकदम झटपट वाला तो है ही, साथ ही बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है इस तरह से पाव भाजी। तो प्याज हमारी जब तक बढ़िया से भुन रही है, फटाफट से करते हैं एक सीक्रेट वाला काम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज के लाल लाल वाले टमाटर। लाल टमाटर होते हैं ना पाव भाजी के लिए, आपको वही लेने हैं, बढ़िया कलर आएगा पाव भाजी में। तो यहाँ टमाटर को मैंने बस रफली कट कर लिया है। अब एक लेंगे ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में सारा टमाटर डाल देंगे। अब यहाँ देखिए, अगर आपको ये लाल टमाटर नहीं भी मिल पाता है, तो अब जो मैं स्टेप करने वाली हूँ उसमें आप अगर सिंपल वाला टमाटर भी लेंगे ना, तो भी आपकी पाव भाजी में कलर तो बेहतरीन ही आने वाला है बिना कोई रंग डाले। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। देगी मिर्च हो या कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिसमें कलर अच्छा होता है पर मिर्च कम होती है, तो यहीं पर अगर हम डाल देंगे तो टमाटर के साथ मिक्स होकर जो पाव भाजी है वो रंग बहुत ही बेहतरीन पकड़ती है। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ठेले वालों का सीक्रेट, चुकंदर यानी बीटरूट। तो ये मैंने आधी बीटरूट ली है जिसके मैंने रफली पीसेस कट कर लिए हैं। अब आप इससे ये मत समझिएगा कि बीटरूट से तो स्वाद खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरी गारंटी है, क्योंकि बीटरूट में अपना कोई फ्लेवर नहीं होता है। अच्छे से सभी चीजों को फाइन पीस लेंगे। अब इसका बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, पल्स पर चलाकर दरदरा पीसेंगे। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा हमारी भाजी में। थोड़ा चलाइएगा फिर रुकिएगा, थोड़ा चलाइएगा फिर रुकिएगा, इससे आपको ना दरदरा पिसा हुआ इसका मिक्स मिल जाएगा, जिससे कि जो पाव भाजी है बढ़िया से मैश हो जाए, ज्यादा हमें ताकत न लगानी पड़े मैशिंग करने में, एकदम आसान वाला काम करेंगे। ये देखिए क्या जबरदस्त कलर आया है हमारे टमाटर वाली ग्रेवी में, हो गया ना काम आसान। अब फटाफट से चेक करते हैं प्याज को। ये देखिए प्याज में भी बढ़िया गुलाबी रंग आ गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट। मैंने अदरक को हरी मिर्च को लहसुन को फाइन चॉप कर लिया था मिक्सी में, बिल्कुल इस तरह का भरकर पूरा 1 चम्मच डालेंगे, क्योंकि लहसुन वगैरह का टेस्ट पाव भाजी में बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा ज्यादा ही डालें, और बढ़िया से 1 मिनट इसको भी पका लेंगे। लीजिए हमारी प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन सब बिल्कुल बढ़िया से पक गए, कच्चापन निकल गया है। तो बस यहीं पर डाल देंगे हमारा टमाटर वाला पेस्ट। फ्लेम को कर देंगे मीडियम, और साथ ही में यहाँ पर डालेंगे नमक, से टमाटर बिल्कुल बढ़िया से पक जाए, और बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए टमाटर को पकाएंगे। ये जो चीजें मैंने डाली है इनका बढ़िया से पकाना बहुत जरूरी है, एकदम स्वाद निखर कर आता है। और ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको पका लिया है। इसी स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। थोड़ी हमने पहले डाली थी, बाकी मैं यहाँ डाल रही हूँ। इसमें बिल्कुल मिर्च नहीं होती, तो आप टेंशन ना लें, रेगुलर वाली डाल रहे हो तो फिर यहाँ आप कम डालें। साथ ही यहाँ पर डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। बहुत ज्यादा हल्दी की जरूरत नहीं है,
थोड़ी सी। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करेंगे, मसालों को भी थोड़ा सा पका लेंगे। अगर यहाँ पर आपको चिपका चिपका लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब। और अब यहाँ पर हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल तेल ना छोड़ दे। कुकर के ढक्कन को बस इसी तरह से ऊपर से ढक दीजिए, सीटी नहीं लगानी है, बस ऐसे ढक दीजिए, चाहे तो प्लेट ढक दीजिएगा। फ्लेम को कर दीजिए यहाँ पर लो मीडियम और बढ़िया से टमाटर को पकने दीजिए। 1 से 2 बार बीच में चला जरूर दीजिएगा जैसे कोई चीज जले नहीं। और ये देखिए जबरदस्त खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं जब इस तरह से वो सीक्रेट वाला दरदरा किया हुआ टमाटर का पेस्ट डालेंगे तो पाव भाजी में टेक्सचर, टेस्ट और कलर जबरदस्त आता है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सब चीजें भुन गई हैं। तो इस स्टेज पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच भरकर पाव भाजी मसाला। आप पाव भाजी मसाला किसी भी अच्छी ब्रांड का भी ले सकते हैं और मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। तो यहीं पर डाल देंगे पाव भाजी मसाला। साथ में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से करेंगे सभी चीजों को मिक्स और मसाले को भी बढ़िया से पकाएंगे। अच्छा, मसाले के साथ साथ यहीं पर हम डालेंगे हमारी वेजीज, जिससे कि जो सब्जियां हैं वो भी बढ़िया मसाले के साथ पक जाएं। तो लगभग 30 से 40 सेकंड के करीब मैंने मसालों को पका लिया है। अब सबसे पहले यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़े साइज की गाजर, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, देखिए इस तरह से। यहीं पर डालेंगे 1 शिमला मिर्च मीडियम साइज की। अभी सारी सब्जियां खूब बढ़िया आ रही है मार्केट में, ठंड के मौसम में सब सब्जियां खूब बढ़िया मिलती ही हैं और लाल वाली गाजर भी आ रही है, तो इस पाव भाजी को बनाना तो बिल्कुल बनता है। क्योंकि फ्रेंड्स छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं, बच्चों की मेहमान भी आने वाले हैं घर पर, न्यू ईयर पार्टी भी होंगी बहुत सारे लोगों की। साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा फूलगोभी, सब ऐसा समझिए 1-1 कटोरी भरकर डाल रही हूँ। फूलगोभी के भी मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, धो लिया। साथ में जाएगी 1 छोटी कटोरी मटर, लगभग 1/2 कप के करीब। ये मैंने लिए 1/2 कप बीन्स, फ्रेंच बीन्स होती है ना, उनको बारीक चॉप कर लिया, वो भी यहीं डाल देंगे। और साथ में डाल रही हूँ 2 कच्चे आलू, आलू छील करके उसको बस बढ़िया से मैंने कट करके रखा हुआ था, तो यहीं पर डाल देंगे, तो हमें आलू उबालने का अलग से झंझट ही नहीं। सारी सब्जियों के साथ और मसाले के साथ बढ़िया से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे सब्जियों में से भी कच्चापन निकल जाएगा, बढ़िया टेस्ट आएगा। इस तरह से आपकी पाव भाजी जल्दी भी बन जाएगी, टेस्ट बहुत बढ़िया देगी और कलर तो पूछे ही मत, मतलब ऐसा आएगा सब पूछेंगे कि पाव भाजी किस होटल रेस्टोरेंट से मंगाई। क्योंकि अक्सर हम कितनी भी कोशिश कर ले, सेम सामान भी डाल ले बाजार जैसा, फिर भी कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क हो ही जाता है, लेकिन आज की इस पाव भाजी में जबरदस्त वो स्ट्रीट वाला चौपाटी वाला टेस्ट आएगा भाजी में। लीजिए, मेरी सब्जी अभी भुन गई है, बातें भी मैंने बहुत कर ली है। अब साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी, तो देखिए सब्जी भी पानी छोड़ती है, तो मैं यहाँ पर पूरा 2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, ऐसे समझिए 1 बड़े ग्लास के करीब पानी डालेंगे। फिर अगर बाद में जरूरत लगती है तो हम बाद में भी गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, अभी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में हमें सब्जियों को मैश भी करना है। और पानी डालकर बिल्कुल बढ़िया से कर लेंगे मिक्स। एक बार हल्का सा टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक कम लगे तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। परफेक्ट। अब लगाएंगे लिड और लिड लगाकर इसमें लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर लगभग 6 विसल, जिससे सब चीजें बिल्कुल बढ़िया से पक जाए, मैश हो जाए। अब ये डिपेंड करेगा आपके कुकर पर, आपको लगे कि 7-8 विसल की जरूरत है तो आप उतनी लगाए, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। मीडियम हाई फ्लेम कर देंगे और इसको बढ़िया से पकने देंगे 6 विसल तक, और जब पूरी विसल हो जाएगी उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और तुरंत नहीं खोलेंगे, जब पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा उसके बाद ही हम लिड हटाएंगे कुकर का। 6 विसल्स आ गई थी और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, पूरा प्रेशर रिलीज हो गया है और बस धीरे से ढक्कन को खोलेंगे। बेहतरीन, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं क्या मस्त लग रही है हमारी भाजी, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो बहुत जबरदस्त ट्विस्ट इसमें लाना है। ये देखिए सब सब्जियां वगैरह बिल्कुल बढ़िया से पक गई है। अब आप लीजिए एक इस तरह का आलू वाला जो मैश करने का मैशर होता है ना, वो ले लीजिए, या मथनी हो तो मथनी ले लीजिए, और मैशर से बिल्कुल बढ़िया से हम लो फ्लेम पर इस तरह से मसल देंगे सारी सब्जियां, जिससे वो जो भाजी का टेक्सचर होता है ना दरदरा सा, वो दिखाई देगा। यदि आप खड़ी खड़ी पसंद करते हो थोड़ी सी सब्जियां इसमें, तो ज्यादा ना मैश करें। अब आप टेक्सचर और कलर देखिए, आया है ना जबरदस्त। और अपनी भाजी को और भी ज्यादा इस स्टेज पर टेस्टी बनाने के लिए मैं कर रही हूँ एक छोटा सा काम। गैस पर रखिए 1 तड़का पैन, इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच भरकर बटर। ये जो मैं तड़का ऊपर से लगाऊंगी, इससे बटर का जो फ्लेवर है पूरी भाजी में जबरदस्त आएगा, बिल्कुल वो स्ट्रीट वाला टेक्सचर और टेस्ट आ जाएगा। लीजिए बटर हो गया है मैट, तो गैस को बंद कर देंगे। 2 स्प्लिटेड हरी मिर्च डाल रही हूँ और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लीजिए हमारा तड़का है तैयार, तुरंत से लगाएंगे भाजी के ऊपर। साथ ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के नींबू का रस, बढ़िया से कर लेंगे मिक्स।
और 2 मिनट और पका लेंगे इस बटर के साथ, जिससे कि जो बटर का फ्लेवर है वो पूरा समा जाए भाजी में। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस तरह से पाव भाजी स्ट्रीट वालों से भी ज्यादा टेस्टी भी बनती है, मतलब इतनी बढ़िया बनेगी कि मजा आ जाएगा। और तरीका आपने देखा इतना आसान है कि हर दूसरे दिन बना सकते हैं आप पाव भाजी, अब इतना सोचने की जरूरत ही नहीं। लीजिए बाजार से भी ज्यादा टेस्टी भाजी तो हो गई है तैयार, फटाफट से देखते हैं पाव का स्टेप। अब गैस पर चढ़ाइए एक तवा, चाहे नॉनस्टिक ले लीजिए, जैसा भी तवा हो। मेरे पास ये बिल्कुल वो स्ट्रीट वालों वाला तवा है, तो मैं वही ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लगना चाहिए ना एकदम वही वाली बात। और फ्लेम को कर देंगे मीडियम, बढ़िया से गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ऑयल और जाएगा भरकर 1 चम्मच बटर। साथ में डालेंगे पाव भाजी मसाला 1/2 छोटा चम्मच। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और लेंगे 1 बड़ा चम्मच भाजी जो भी तैयार की ना, बस थोड़ी वो डाल दीजिए। अब वो जो बाजार वाले होते हैं वो तो उसी तवे पर भाजी बनाते हैं, तो ऑलरेडी उनका जो तवा होता है वो भाजी से लगा हुआ रहता है, करछी पर भी लगी रहती है भाजी, तो उनका काम वैसे हो जाता है इजीली। हम जो कुकर में बनाई है तो थोड़ी यहीं पर भाजी डाल लेते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और तवे पर इस तरह फैला लेंगे। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जब पाव को इस तरह से सेकते हैं ना तो पाव में भी वो वाला टेस्ट आ जाता है, तो खाने पर दुगना मजा आता है पाव भाजी। अब मतलब मुझे भी रुका नहीं जा रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और लेंगे अपनी पाव, पाव को इस तरह से तवे पर लगाएंगे और दोनों साइड से उलटते पुलटते हल्का सा सेक लेंगे कि जो भी चीजें हमने तवे पर डाली है वो पाव पर कोट हो जाए और फिर वही बाजार जैसा टेस्ट आए। इस ठंडे मौसम में ऐसी गरम गरम पाव भाजी मिल जाए फिर क्या बात है। चलिए फटाफट से करते हैं सर्व। और बस लेंगे इस तरह से स्टील वाली प्लेट, जैसे वो चौपाटी झू वगैरह पे देता है ना, इसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज बारीक कटी हुई, नींबू, हरी मिर्च स्प्लिटेड और ये गई भाजी। अब आप देखिए इसका कलर टेक्सचर आप देख सकते हैं और टेस्ट तो पूछिए मत, धुआं निकलती गरम गरम। और साथ में इसके ऊपर डालेंगे बटर। Perfect. थोड़ा सा हरा धनिया और ये गई हमारी गर्मा गर्म पाव। अब बताइए लग रही है ना वो ठेले वाले जैसी, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़िया। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी जबरदस्त टेस्टी, ठेले वालों से भी बढ़िया, बाजार से भी बढ़िया और होटल रेस्टोरेंट से भी बढ़िया, झटपट बनने वाली, मिनटों में तैयार होने वाली गर्मा गर्म चटपटी मजेदार पाव भाजी। जरूर से बनाइएगा और जब आप इस तरीके से बनाएंगे इंस्टेंट पाव भाजी तैयार होगी, इतनी टेस्टी बनेगी कि फिर आपको वो ठेले की भी कम लगेगी। और जब आप पाव तोड़ के ऐसे खाएंगे गरम गरम, ओहो मजा ही आ जाएगा। सुपर बनिए फ्रेंड्स, बिल्कुल फटाफट जाइए किचन में, सब्जियां भरी पड़ी हैं आजकल हम सबकी फ्रिज में, सर्दियों के मौसम में इतनी अच्छी सब्जियां आ रही हैं, तो फटाफट से इस पाव भाजी को मेरे तरीके से बनाना तो बिल्कुल बनता है। और जो मैंने ट्रिक बताई थी ना टमाटर वाली, वो तो जरूर अपनाइएगा। कलर देखिए क्या मस्त आया है भाजी का। मेरी फैमिली भी वेट कर रही है इस पाव भाजी के लिए, तो मैं करती हूँ उन लोग को सर्व। आप भी जाइए बनाइए और बनाने के बाद अगर रेसिपी पसंद आई हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज के ये चटपटी मजेदार ठेले स्टाइल इंस्टेंट पाव भाजी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।